जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो की इंट्रो देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आज अपने इस वीडियो में मैं आप अपने BMX साइकिल जो मिल्टन का है, मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ। और इसमें मैं आपको इसके हमने इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा लगवाया है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, मतलब फीचर्स से समझ लीजिए क्या क्या इसमें दे रखा है, और इसका लुक और उन सब चीज़ को लेके मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको इसके फ्रंट से लेके आपको बैक तक के इसके जितने भी फीचर्स हैं मैं आपको सारा बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको आइए दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके फ्रंट से। यहाँ से तो यहाँ पर आपको बेल मिल जाता है, घंटी मिल जाती है आपको। और बात करें तो यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं। वैसे आप इसमें यहाँ पर आपको जो मतलब नॉर्मल ब्रेक्स होते हैं वो आप लगवाने का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे इस साइकिल BMX साइकिल के होते हुए इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छे हैं और बहुत पावरफुल ब्रेक होता है। जैसे कि आप जानते हैं डिस्क ब्रेक्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत देखने में भी थोड़े अच्छे लगते हैं और इफ़ेक्टिव लगते हैं। और बात कर लें तो यहाँ पे आपको फेंडर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छा है, और बहुत न्यू मॉडल्स की साइकिल में और BMX साइकिल में ये डिफेंडर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बात कर लेते हैं इनके टायर्स के बारे में, तो टायर्स भी आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी हद तक आपको थोड़ा मतलब इसका टायर का साइज़ भी आपको बड़ा मिल जाता है, जो कि मर्ड या फिर अगर आप यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता और बहुत इजीली। और ज़्यादातर आपका अगर कुछ गंदा भी होता है तो मुश्किल से आपका ग्रिप गंदा होता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी मतलब इसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। और बात करें तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और रात में तो काफ़ी करके मतलब बहुत ये शाइन करते हैं और देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। और बात कर लें इसके ऊपर के यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बेस्ट क्वालिटी के आपको ग्रिप्स मिल जाते हैं जो आपको चलाने में बहुत अच्छे मतलब चलाएंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। और बात कर लें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंने इसमें एक लाइट लगा रखा है जो कि बहुत अच्छा है, और ये बहुत दूर तक मतलब जितना आपके बाइक्स में लाइट होता है उतना ये पावरफुल लाइट है और बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। और इसमें साथ में आपको एक हॉर्न भी मिल जाता है, इसके नीचे एक स्पीकर होता है उसमें हॉर्न भी मिल जाता है। तो बहुत बेस्ट क्वालिटी के हैं ये और मैं इसको 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और साथ में यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है जिसमें आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और बहुत बेस्ट क्वालिटी के आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी का है ये। और बात कर लें यहाँ पे तो ये काफ़ी अच्छे लुक्स हैं इसके और बहुत ही बेहतर दिखता है। और बात कर लें साइड की व्यू के बारे में, तो ये भी काफ़ी अच्छा है देखने में, और अभी तक ये ब्रांड न्यू है मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है साइकिल, इसी के लिए मैंने इसका अभी तक प्लास्टिक भी नहीं हटाया। और बात करें तो यहाँ पे आपको मिल्टन का टैग मिल्टन का वो मिल जाता है लिखा हुआ मतलब, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लुक है इसका। साथ में आप यहाँ पे बॉटल रखने वाला भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो, और नहीं मन है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग लगा के रखते हैं मतलब अगर कहीं बड़े ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और बात कर लेते हैं इनके पैडल्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है और ये बहुत अच्छा मतलब इसमें भी रात को अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और गलती पीछे से कोई बाइक या फिर कुछ आ रहा है तो लाइट यहाँ पड़ने के कारण ये भी बहुत अच्छा शाइन करता है। और बात कर लेते हैं इसके सीट्स के बारे में, तो वो भी बहुत कम्फर्टेबल है, बहुत मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा है। और इस साइकिल में आपको बात करते हैं इसके पीछे के लुक के बारे में, तो यहाँ पे आपको साथ में कैरियर भी मिल जाता है और यहाँ पे भी आपको फेंडर्स मिल जाते हैं जो कि देखने में अच्छे, और यहाँ पे आपको इसमें भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है, इस पर भी अगर लाइट पड़ता है आगे भी मिलता है और पीछे भी मिलता है, आपको दोनों जगह मिल जाएगा। और यहाँ पे भी साथ में जो जैसा आपको आगे मिलता है वैसा आपको पीछे भी मिल जाएगा। और बात कर लें टायर की, तो टायर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि टायर्स कैसे हैं इसके, और यहाँ पे भी आपको ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर आप डिस्क ब्रेक्स लगा लेते हैं तो ब्रेक लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बात कर लें तो इसका स्टैंड भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पावरफुल है और बहुत बहुत स्मूथ साइकिल और बहुत ईजिली और बहुत अच्छे वे में चलती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और बहुत बेस्ट क्वालिटी के ये साइकिल्स हैं और बहुत अच्छे, और बहुत लुक भी काफ़ी अच्छा है देखने में और कलर भी बहुत अच्छा है। और बात कर लेते हैं इसके शॉकर्स के बारे में और सस्पेंशन के बारे में कि इसका सस्पेंशन कैसा है, तो इसमें आपको सिर्फ आगे की तरफ ही आपको शॉकर्स मिलते हैं, यहीं पर आपको सिर्फ शॉकर मिलेगा, और ये शॉकर बहुत मतलब बेस्ट क्वालिटी के हैं। अगर आप कहीं पर डिस्क ब्रेक मारते हैं तो ये काफ़ी अच्छा है मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल फील होगा, पीछे शॉकर ना होते हुए भी ये बहुत अच्छा देखने को बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही बेहतर है। और कहीं पर भी अगर आप गड्ढे वड्ढे में जाते हैं
तो आपको कोई कम मतलब किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम नहीं होता है, ईजिली आपका गड्ढा वड्ढा कुछ भी क्रॉस कर जाएगा। और पीछे आपको इसमें सॉकर्स देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अब जो BMX साइकिल आ रही हैं, अब ज़्यादातर जितने भी BMX साइकिल आ रही हैं उसमें आपको पीछे की तरफ सॉकर नहीं देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉबली बहुत कम ही जो ओल्ड साइकिल्स होती थी उसमें ही सॉकर्स आते थे, अब ज़्यादातर जितने भी साइकिल्स आ रहे हैं उसमें आपको पीछे की तरफ सॉकर्स नहीं मिलते हैं, आगे ही मिलते हैं। और बात कर लें पीछे सॉकर ना होते हुए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप सीट कवर भी लगवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका सीट बहुत दिनों तक चले, कभी कभी फटने का चांसेस होते हैं, तो वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा। और बात करें तो बाकी देखने में साइकिल बहुत अच्छी है और काफ़ी शानदार है। अब तक लिए हुए मैंने इसके ख़रीदे हुए मेरे 2 से 3 दिन हो गए, अब तक के अगर आप मेरे से फीडबैक लेना चाहेंगे तो मेरे लिए तो बहुत बेस्ट साइकिल है और बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है लुक। और अभी तक मैंने इसका प्लास्टिक या फिर कुछ भी अभी तक इसको नहीं अनरैप किया, जब तक चलता है तब तक चलने देते हैं, जब जब अपने आप फटना होगा तो ये फट के हट जाएगा। और बात करें तो देखने में हर एक जगह से मेरे को डिस्क ब्रेक से लेके सॉकर, बैठने, सीट, कंफर्टेबिलिटी और बाकी सबको लेके मेरे लिए बहुत अच्छी साइकिल है। आप भी इसको बाई कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइट्स का, सॉकर्स का, सीट कवर का। और बस और बात कर लें साइकिल के बारे में तो देखने में काफ़ी अच्छी है, तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।